उसी लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। और आज आपको बताएंगे कि सूट की सिलाई स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो पार्ट वन में हम आपको कट करने बताए थे और पार्ट टू में आपको हम सिलाई करने बता रहे हैं। तो ये बिना बकरम का मेरा गल्ला है। तो ये देखिए मेरा चौखुट में है और इस जगह थोड़ा सा हम कट कर लेंगे और गल्ला को गोल काट कर इस पर हम धर लेंगे और इस तरह करके हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये सिंपल सा है। सेम हम गलाई गोलाई इस तरह हम ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें छोटा छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इस पर हम पलट कर इस पर धागा गोलाई में चला लेंगे इस तरह की साइड साइड से। इसी तरह हम धागा चारों ओर से चला लेंगे। उसके बाद और बड़ा सिलाई चलाएंगे। ये हेम करने के बाद मेरा सिलाई खुल जाएगा। इसी तरह अगर आपको लैस बैठाना है तो गला पे लैस दे सकते हैं पतला सा। इसी तरह हम सारे में धागा चला लेंगे। देखिए गल्ला पर जो हम धागा मारे हुए हैं उसी पर हम लैस बैठाएंगे। इसी तरह हम गोलाई में लैस बैठाते हुए जाएंगे। हम गला में लेस बैठा लिए हैं। उसी तरह दोनों गला में हम सेम लेस बैठाएंगे। इसमें भी हम इसी तरह लेस बैठा लेंगे। उसके बाद हम कंधा ज्वाइंट कर देंगे और तब साइड सी लेंगे। और बाजू और नीचे हम चौड़ा लेस बैठाएंगे। हम गोलाई में लेस दे लेंगे। गला में दोनों गला में हम सेम लेस बैठा लिए हैं। देख सकते हैं। उसके बाद हम दोनों कंधा ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हम कंधा ज्वाइंट करके आपको दिखा रहे हैं। पकड़ लेंगे और इस तरह करके हम स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद सिल लेंगे। मेरे को चढ़ दिया है।
हम सूट को रख लिए हैं और इस सूट से हमको थोड़ा सा लूज रखना है, तो इसलिए हम हल्का मार्जिन ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि ये सूट जो होता है टाइट होता है, तो इसलिए हम ऐसे करके ही हल्का मार्जिन देते हुए हम सिलेंगे। और दोनों ओर से हम इतना इतना का, अगर आपका सूट टाइट हो रहा है तो सूट से जो नाप है आप हल्का लूज रखिए। इसी तरह देखिए हम निशान लगा लिए हैं, आप इसी निशान पर स्टिचिंग कीजिएगा। आपको ऊपर से लाना है सिलाई को, देख सकते हैं यहाँ से चलाते हुए लाएंगे, फिर इसी सिलाई से ले जाते हुए ऊपर की ओर यहाँ ज्यादा और अपर की ओर मिला देंगे। इसी तरह सेम उसमें भी हम करेंगे। के बाद हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, तो देख लीजिए हम दोनों ओर से धागा चला लिए हैं। उसके बाद इस जगह हम थोड़ा ज्यादा करके कट कर देंगे और इधर भी हम थोड़ा ज़्यादा करके कट कर देंगे। और उसके बाद हम देखिए ये हमारा बैक का डिजाइन है और ये हमारा दोनों गला फ्रंट बैक एक ही साइड है, एक के जैसा है, बाकी थोड़ा सा इस बीच गला है छोटा और बड़ा सा है। और उसके बाद फिर से हम सीधी साइड से हम देख लेंगे मेरा कपड़ा में लूजिंग आया कि नहीं। तो देखिए मेरा कपड़ा इतना हम लूज कर दिए हैं, अगर ज़्यादा फिर टाइट लगेगा तो फिर से उसमें धागा मारा हुआ खोल लेंगे। इस साइड का हमारा स्टिचिंग है इस तरह करके, तो हम इस तरह करके हम सिलाई करेंगे। इस तरह मोड़ ले लेंगे और उसके बाद हम इस तरह करके मोड़ लेंगे और इसी तरह हम ऊपर की ओर जाएंगे। इसी तरह सीते हुए हम ऊपर की ओर जब इस जगह पर आएंगे तो हम इस जगह हम सिलकर चाप सुइया को हम अंदर रखेंगे और चाप को हम उठाएंगे, फिर इस तरह कपड़ा को हम फोल्ड करेंगे और ऐसे में हम सिलाई चलाएंगे। फिर सुइया को अंदर रखेंगे और चाप को उठाकर कपड़ा को घुमाएंगे हम, और कपड़ा को घुमाते हुए कपड़ा को हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह हम नीचे की ओर आएंगे और इस जगह पर जब हम आएंगे ऊपर की ओर फिर हम
सुई को अंदर ही रखेंगे और इस तरह करके हम कपड़ा को कर देंगे। इसके बाद हम धागा को कट कर देंगे। तो देखिए हम इस तरह ऊपर की ओर, हम अंदर की ओर उल्टा साइड में नहीं फोल्ड करेंगे, ये वाला हम उल्टा सीधा में मोड़ेंगे क्योंकि हमको लैस बैठाना है और लैस हम साइड से इसी तरह उसको हम वाला मेरा हम मोड़ा जाएगा, ये वाला के अंदर की ओर झपा जाएगा और इसी पर हम लैस बैठा करेंगे। कट करेंगे लेस को और उसके बाद हम ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे लेस बराबर मात्रा में। बाद हम नीचे सिलाई करने के बाद हम ऊपर वाला लेस में मेरा दोनों तरफ से लेस लग गया है और मेरा ये सूट फिनिश हो गया है। अब सिर्फ बाजू जोड़ना थ्री कॉटन बाकी है, तो बाजू में भी हम सेम इसी तरह लेस लगाएंगे पड़ेंगे क्योंकि हम लेस बैठाएंगे इसमें, और अगर अंदर मोड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम ऊपर की ओर मोड़ेंगे सीधी साइड में, याद रखिएगा। और उसके बाद आपका लेस बैठेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम बाजू को इस तरह बाजू को नाप लेंगे और उसके बाद हम निशान दे देंगे और इस कंधा ये बाईस नया वाला बाजू से हम मेजरमेंट करेंगे और ये जो हमारा बाजू है इससे हम इससे नापेंगे। ये इस तरह हम पुराना वाला बाजू जो सूट है उससे हम नाप लेंगे। ये थ्री कॉटन है, फिनिश का चिन्ह इससे लगाएंगे और उसके बाद हम डॉट डॉट देते हुए इस तरह करके इस तरह मिला लेंगे। सेम इसी तरह इसी बाजू से फिर इस बाजू को हम नाप लेंगे ऐसे करके की सिलाई दे लेंगे। सिलाई करेंगे और इस जगह हम आठ इंच का सिलाई देंगे। जो बाजू है उसमें अभी इस बाजू में हम ज्वाइंट करेंगे, तो सबसे पहले हम बाजू को इस तरह पकड़ेंगे और ये बाजू को हम इस जगह पर दोनों सिलाई एक जगह होना चाहिए और इसको हम इस तरह करके फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम देखिए दोनों कपड़ा को हम एक जगह ज्वाइंट करके धागा दोनों धागा सेम ही मिलना चाहिए और उसके बाद हम एक जगह इसमें हम बाजू को सेम गोलाई करेंगे।
इसी तरह हम चारों ओर से सीते हुए जाएंगे। देख सकते हैं थ्री बॉटम बाजू हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब सेम इसी तरह उस बाजू को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। बटन रेडी है ढककर, आप देख सकते हैं। ये देखिए सत्संग का कपड़ा था खादी का, और इसको सुंदरता के लिए बढ़ाने के लिए, इसका खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम दो